नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कल देर शाम दिल्ली की एम्स में भर्ती करा लिया गया। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद वो अपने रूटीन चेकअप के लिए एम्स पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया। हमने आपको कल ही दिखाया कि क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आ रही थी एम्स दिल्ली से और क्या कुछ स्थिति बनी हुई थी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। बता दें कि दिल्ली एम्स पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव की विभिन्न तरीकों की जांच की गई, साथ ही साथ उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया और उसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर राकेश यादव का बयान सामने आया है, जहां पर उनके डॉक्टर ने यह बताया है कि अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है, उनकी स्थिति अभी स्थिर है और उन्हें लगातार तेज बुखार आ रहा था, तो तेज बुखार आने से और चक्कर आने से उन्हें आईसीयू में एडमिट करा लिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर, अभी उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है और क्या कुछ चल रहा है दिल्ली एम्स में, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में तेज बुखार और चक्कर आने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एम्स में लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर राकेश यादव ने कहा है कि उनकी स्थिति अभी ठीक है, फीवर ज्यादा है, इसीलिए आईसीयू में भर्ती किया गया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के विभिन्न तरीके के टेस्ट भी कराए गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार देर शाम अचानक दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। कहा गया है कि उन्हें लगातार बुखार आ रहा है। जानकारी के अनुसार एम्स के डॉक्टरों ने उनका ब्लड से लेकर जांच के सैंपल के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट का इंतजार था, रिपोर्ट सामने आ गई है और डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि किसी प्रकार के खतरे से लालू प्रसाद यादव बाहर है। बता दें कि अभी हाल फिलहाल में लालू यादव 22 नवंबर को पटना आए थे। अगले दिन चारा घोटाले के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें आगे के लिए सदैव पेशी से छूट मिल गई। इसके बाद उन्होंने राजद कार्यालय में 6 टन के लालटेन की लौ जलाई थी। फिर गुरुवार 25 नवंबर की शाम वे दिल्ली वापस लौट गए। जाते जाते भी उन्होंने नीतीश सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर तीखी आलोचना भी की थी। इसी दौरान लालू यादव की जीप की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। 24 नवंबर को वो अपने आवास से जीप लेकर गुलंबर तक गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज वर्षों बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाया हूँ। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी ना किसी रूप में ड्राइवर ही तो है। लालू प्रसाद यादव पिछले कई वर्षों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। जानकारी है कि वो 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। इसमें दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी सबसे गंभीर है। इसी वजह से उनके दिल्ली से बिहार आने में भी कई बार कई तरह की अड़चने सामने आई। फिर डॉक्टरों की इजाजत लेकर वे उपचुनाव से पहले करीब 3 साल बाद पटना आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार के हर हिस्से में जाना चाहता हूं, लेकिन अभी कसर है, इलाज करा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता बैठे बैठे। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जब से जमानत मिली है, तब से वो दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं। वो लगातार बीमारियों से ग्रसित होते आ रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को करीब 16 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं, जिनकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही रहती है। इस वजह से वो लगातार अभी अपनी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास दिल्ली में ही रह रहे हैं। उनके पटना आने की अड़चने इसीलिए लगातार सामने भी आ रही थी और अब लालू प्रसाद यादव को वापस से एक बार फिर से दिल्ली एम्स में भर्ती करा लिया गया है, जहां पर बताया गया है कि उन्हें लगातार तेज बुखार आ रहा है और साथ ही साथ उन्हें चक्कर भी आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया गया है। क्या कुछ आगे अपडेट्स आएंगी लालू प्रसाद यादव को लेकर, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4Nation में। नमस्कार।